समझ सकते हैं। चलो ना, विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, उसकी आगामी बैठक मंत्री स्तरीय बैठक बाली इंडोनेशिया में होने जा रही है 3 से 6 दिसंबर 2013। यह मंत्री स्तरीय बैठकों की सीरीज में 9वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी और इसका जो मुख्य जो विषय है वो विषय दोहा राउंड, दोहा में 2001 में जो बैठक हुई थी और उसका जो डिक्लेरेशन जो है नवंबर 2001 में जो रखा गया उसी से संबंधित जो विषय अभी रह गए हैं उसमें ज्यादातर विषय विकासशील देशों के पक्ष के विषय हैं जिस पर डिस्कशन होना बाकी है। और यही कारण है कि विकसित राष्ट्र जो हैं पिछले 12 साल से जो दोहा डिक्लेरेशन 2001 में हुआ था और इस पर वो वार्ता करने के लिए तैयार है, चाहते नहीं कि इस पर वार्ता हो, तो इस पर वार्ता होने से विकासशील राष्ट्र जो है वो अपना हक जो है वो मांगेंगे। इसलिए पिछले 12 साल से ये बैठक होती है और उस पर कोई निर्णय नहीं होता। दोहा के बाद कैनपुर में बैठक हुई, वो वार्ता विफल हुई, फिर हांगकांग में 2 दिन तक बैठक चली किंतु उसमें भी कोई निर्णय विशेष नहीं आया, उसके बाद 2 बार जिनेवा बैठक हुई और इन सब बैठकों को सिर्फ जो है एक प्रकार टालमटोल करके वो इस तरह टाइम पास के रूप में व्यवहार किया गया। अभी जो पास्कल लेमी जो कई वर्षों से इसके जो डायरेक्टर जनरल थे उसमें बदलाव आया है और अभी ब्राजील के जो वहां के जो मंत्री हैं उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और पिछले दोहा राउंड के बाद में इधर खुद जो बैठकें हुई थी सिर्फ 2 दिन का समय रखा गया, इस बार कई वर्षों के बाद में 4 दिन का समय रखा गया है और आशा सभी को है कि इस बैठक में कुछ हल निकले और हल निकलने से ये जो डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद में आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष या बाकी जितने भी विकासशील राष्ट्रों के नाम से जितने भी लोग हैं इनको डब्ल्यूटीओ से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। अब एक उम्मीद जगी थी दोहा से कि शायद इसमें से जो बातें उभर करके आएगी उससे वैश्वीकरण का कुछ फायदा हम उठा पाएंगे। इसमें जो विषय वस्तु जो है डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की, ये इसका मुख्य रूप से 3 प्रकार है और वो 3 जो इसके क्षेत्र हैं वार्ता के, वो एक तो गुड्स के आयात निर्यात से संबंधित है जिसमें कृषि भी आता है और इंडस्ट्रियल गुड्स भी, और दूसरा विषय है सेवा क्षेत्र सर्विसेज क्षेत्र, और तीसरा विषय आता है बौद्धिक संपदा। जिस प्रकार 3 विषय इसके हैं, गुड्स सेक्टर के विषय, कृषि और अन्य औद्योगिक वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित, इसमें हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट है तो हमारे सॉफ्टवेयर के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी उसी के अंदर आते हैं, और बौद्धिक संपदा का विषय। इस प्रकार इन 3 विषय पर एग्रीकल्चर का जो विषय है उसके अंदर में सबसे बड़ा जो अभी तक कंट्रोवर्सी का जो विषय रहा है वो है कि अमेरिका और यूरोप देश जो है वो अपने फार्मर्स को वहां की जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़ी सब्सिडी देती हैं और सब्सिडी के वजह से उनके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी गिर जाती है क्योंकि जो कॉस्ट होता है उसको सब्सिडाइज करते हैं और इधर जो विकासशील राष्ट्र हैं इनके पास देने के लिए इतनी सब्सिडी नहीं होती, उनका जब सब्सिडाइज प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जब आता है तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स किसान हैं उनको कोई रेगुलेटरी प्राइस नहीं मिलती और आज किसानों की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या यही है, उनका इनपुट कॉस्ट तो बढ़ते जा रहा है, इनकी लागत मूल्य की तुलना में उनको जो बाजार मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये जो सब्सिडी का विषय है कि जब तक विकसित राष्ट्र विशेष करके अमेरिका अपने फार्मर्स को और वहां की कंपनियों को सब्सिडी देना बंद नहीं करेगा, उसकी डिमांड चल रही है, जब से डब्ल्यूटीओ बना था तब से ही जो है ये मांग की जा रही है कि अमेरिका जो है तो उसने अपने कई तरह की चालबाजी से ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अपर बॉक्स इत्यादि अलग अलग तरीके से, और उसने कहा कि ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी दे रहे हैं उस पर जो है वो कोई एक्सनेबल नहीं होगी, उस पर जो है कोई इसमें डब्ल्यूटीओ को एतराज नहीं होगा, किंतु
देखा यह गया कि वो किसी भी बॉक्स के नाम से कोई भी सब्सिडी दो वो हमारे विकासशील राष्ट्रों के किसानों के लिए बहुत खतरा है। तो एक विषय तो जो है ये एग्रीकल्चर सब्सिडी का, दूसरा विषय जो है वो जो विकासशील राष्ट्र जो चाह रहे हैं और विकसित राष्ट्र जिसको चाहते हैं कि आप अपने यहाँ के टैरिफ को घटाओ, इम्पोर्ट टैरिफ को घटाओ और आयात को ज्यादा आप मुक्त कर, ये जो मुक्त व्यापार और उसके उसके ऊपर में जो है जो ड्यूटी हम लगाते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी उसको घटाने के लिए हम दबाव डालते हैं इंडस्ट्री कुछ। तो ये तो विषय ये भी जो है हमारे जो विकासशील राष्ट्र हैं वो नहीं चाहते कि हम पर इतना दबाव बने क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट करने से हमारी जो स्थिति जो बिगड़ रही है, हमारा जो व्यापार जो संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है और हमारे यहाँ के जो लघु उद्योग हैं वो मार खा रहे हैं। किंतु इस पर जो बराबर जो दबाव बना रहे हैं विकसित राष्ट्र कि आप अपने यहाँ का इम्पोर्ट जो है और लिबरलाइज करो और इसका जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाओ, तो आप देख रहे होंगे भारतवर्ष के अंदर में जब से डब्ल्यूटीओ बना है विदेश करके और उसके अभी जो हमारे 17-18 साल का जो अनुभव है वो अनुभव ये बताता है कि हमारे देश का जो ट्रेड बैलेंस है व्यापार करना वो बढ़ते जाते हैं। डब्ल्यूटीओ नहीं बना था 1991 के आसपास हमारी टोटल व्यापार घाटे की जो घटक थी वो करीब 2 अरब डॉलर के आसपास हुआ था जो आज के दिन 200 बिलियन डॉलर का 100 टाइम्स बढ़ गया। उसको पूरा करने के लिए हम अपने सेवा क्षेत्र का कुछ निर्यात करते हैं तो करके भी जो है हमारे यहाँ लगभग 100 बिलियन डॉलर का चालू खाते में घाटा रह जाता है। तो एक वो कहते हैं ट्रेड अकाउंट, दूसरे को कहते हैं करंट अकाउंट। तो ये जो करंट अकाउंट की जो का जो घाटा है वो इस परिमाण इधर बढ़ गया है कि उसका सीधा सीधी असर जो है हमारी विदेशी कर्ज पर, विदेशी कर्ज जो है हमारा बढ़ करके 400